सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों टोन को तो आप सभी ने सुना होगा और ये थी डिफॉल्ट टोन एसएमएस के लिए पुराने नोकिया फोन्स में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टोन का वाकई में जो मतलब है वो एसएमएस ही है? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं मोर्स कोड के बारे में। यहां पे हम जानते हैं कि आखिर मोर्स कोड क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में भी कम्युनिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई आज ना हमारे पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी इंसान से कभी भी कनेक्ट करना हो तो मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास में। यहाँ पे हम बात करते हैं 4G 5G की। लेकिन दोस्तों आप सोचो कि यहाँ पे हिस्ट्री क्या रही होगी। मतलब आज तो भैया लेटेस्ट इनोवेशन है, लेकिन उससे पहले हमारे पास में लैंडलाइन फोन्स या फिर रेडियोज या फिर टेलीग्राम वगैरह, और उससे पहले तो मतलब भैया चिट्ठी लिख के भेजनी है कबूतर के पाँव में बांध के, जा कबूतर जा जा जा, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो सही समय पर पहुंच पाएगी या नहीं। या फिर आपको फिजिकली दोस्तों भैया मूव करना है, कोई आपका है कोई आपका मैसेंजर है वो लेके जाएगा आपका मैसेज, और इसके वजह से डिलेज हो रहे थे बहुत ज्यादा। आपने किसी को इनवाइट किया है 15 अप्रैल 2018 के लिए, वो इनविटेशन जो है वो मिल रहा है मान लो 15 अप्रैल 2019 को, वो भी बिना किसी गारंटी के। दोस्तों यहां पे सीन कुछ ऐसा ही हुआ था। यूएस में एक आर्ट प्रोफेसर जिनका नाम था मिस्टर सैमुअल मोर्स, उनको मिला एक इंपॉर्टेंट मैसेज उनकी वाइफ से जुड़ा हुआ। लेकिन उसको मिलते मिलते बहुत देर हो गई, उनको बहुत गुस्सा आया कि क्या हम ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि हम इंस्टेंटली मैसेजेस को भेज पाए। तो यहां पर दोस्तों उन्होंने इन्वेंट किया टेलीग्राफ को, जहां पे दो मशीन्स जो जुड़ी हैं एक वायर से, और यहां पे दोस्तों सिग्नल्स भेज रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, जहां पे एक तरफ से वो अगर कुछ भी टैप करते हैं तो भैया यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो मूवमेंट है उसके थ्रू वो करंट को भेज पाते हैं, और सामने जो रिसीविंग यूनिट है वो उन्हीं सिग्नल्स को रिसीव कर लेती है। लेकिन यहां पे वो सिग्नल्स क्या होंगे? आपको भेजना है हाय, हेलो, आई एम कमिंग, कुछ भी अगर आपको भेजना है तो आप वो कैसे भेज पाओगे? यहाँ पे भैया कोई कन्वर्जन तो हो, मालूम तो चले कि सिग्नल का मतलब हाय है कि हेलो है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद में डेवलप किया गया मोर्स कोड को, जहां पे उन्होंने सबसे पहले तो ये रिसर्च की कि जो अल्फाबेट 7 इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक, उसमें हम सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम चला कि जो ई है उसको हम सबसे ज्यादा दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ई का मतलब हो गया एक डॉट, यानी कि अगर एक डॉट है एक बीप है उसका मतलब सिग्नल है उसमें ई है। दोस्तों ऐसे करते करते ए से लेकर जेड तक, से लेकर 9 तक उन्होंने सभी अल्फाबेट्स के लिए अपने कोड्स को डेवलप किया, उसको बाद में नाम दिया गया मोर्स कोड का। उसके बाद में हुआ ये कि एक पैटर्न बना, अगर आपको किसी को भेजना है हाय तो आपको सिर्फ एच का कोड फिर आई का कोड भेज देना है, सामने वही कोड उसी पैटर्न में मिल जाएगा, तो आपको जो मैसेज है वो हो गया डिलीवर, यानी कि जो मैसेज है वो हाई है। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ ये कि जो एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया उसमें ये एक रूल रखा कि भैया जो आपकी मिनिमम यूनिट है वो है एक डॉट की, उसके अलावा जो डैश है वो आती है 3 डॉट्स के बराबर लेंथ में, आपको दोनों के बीच में कुछ गैप छोड़ना है, ऐसे में आपको इंडिविजुअल जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में भी गैप छोड़ना है, वर्ड्स के बीच में भी गैप छोड़ना है, ताकि जो सामने रिसीवर बैठा है उसको मालूम ही चल जाए कि हाँ भाई जो मैसेज है उसमें यहाँ पे ब्रेक है, यानी कि ये एक लेटर दूसरा लेटर तीसरा लेटर करते करते वो बाद में सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाए। यहां पे दोस्तों ये काम जो है वो ऑटोमेटिक भी किया गया, यानी कि जो पेपर स्ट्रिप है उसके ऊपर जो रिसीविंग एंड है वहां पे अपने आप ही दोस्तों मैसेज प्रिंट हो जाता है, बाद में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हाँ इस मैसेज का मतलब ये होगा। और ये बाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया गया वर्ल्ड वॉर वगैरह में या फिर दोस्तों किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। और आगे चल के जो इंप्रूवमेंट्स हुए उसमें ये हुआ कि हमको फिजिकली एक वायर की जरूरत नहीं है, यहां पे ये काम हम वायरलेस तरीके से कर सकते हैं, हमको सिर्फ यूनिट्स चाहिए मैसेज भेजने के लिए और मैसेज बाद में रिसीव करने के लिए। इसमें हालांकि और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए, लेकिन यहां पे अभी आप सोच रहे हो कि यार ये एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको दोस्तों हम आज भी काम में लेते हैं नेवी वगैरह में, मिलिट्री वगैरह में, क्योंकि अगर हमको कुछ मतलब इंस्टेंट एक मैसेज भेजना है जहां पे हम चाहते हैं कि बस वो एक दो लाइन का मैसेज है, आपको जो है कई बार बैंडविड्थ बहुत कम मिलती है, सबमरीन्स वगैरह हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन के बारे इतना ठीक से नहीं भी हो पाता है, तो वहां पे भी हम मोर्स कोड के थ्रू मैसेजेस को भेज पाते हैं। अब यहां पर दोस्तों इसके अंदर इंप्लीमेंटेशंस ना वो एंडलेस हैं, मतलब जैसे अभी आपको बता रहा था कि जो नोकिया के एसएमएस टून है तो वो दोस्तों एसएमएस जो है उसके अंदर एस के अंदर होता है डॉट डॉट डॉट, एम में होता है डैश डैश, फिर होता है डॉट डॉट डॉट। तो एसएमएस का मतलब टू 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 टू। तो ये दोस्तों टोन है, ये नोकिया ने यूज किया एसएमएस के लिए। ऐसे दोस्तों जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टोन है एसओएस यानी कि सेव आवर सोल के लिए वो है डॉट 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 डैश 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 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप किसी को इस पैटर्न में कोई मैसेज भेजते हैं फिर चाहे
चाहे कोई वो कांच से आप कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे अंधेरे में टॉर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप अपनी पलके भी झपका रहे हैं, तो यहाँ पे इसके थ्रू भी आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जगह पे इंप्लीमेंटेशन है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो इंसान बोल नहीं पाएगा वो अगर अपनी पलके झपकाए और उससे भी वो मैसेज अपना कन्वे कर पाए, तो मतलब उनको मालूम है कि पलके झपकाना जल्दी जल्दी, थोड़ा स्लो स्लो, तो यहाँ पे वो डॉट और डैश, यानी कि डैश मतलब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का सिग्नल, उसको अगर वो रेप्लिकेट कर पाए तो वो यहाँ पे मैसेज को भेज सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे आज अपने मोबाइल फोन्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी ऐसी एप्स जो कि मोर्स कोड को डीकोड कर सकती हैं, डॉट डैश अगर वो सुनती हैं तो वो बातें बताएंगी कि सामने इस पैटर्न का मतलब क्या है। और यहाँ पे हम इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री मतलब कितनी भी पुरानी हो टेक्नोलॉजी दोस्तों आज भी हमारे काम में आती है। मिलिट्री में इसको हम काम में लेते हैं, जहाँ पे जो एक रेडियो मैन होता है दोस्तों वो सिग्नल्स को भेजता है, रिसीव करता है। दोस्तों जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कि वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, तो यहाँ पे मोर्स कोड में भी वर्ड्स पर मिनट होता है कि आप कितना एफिशिएंटली टप 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 टैप करके दोस्तों जो कोड्स हैं वो भेज पाते हैं, कितना क्लियरली भेज पाते हैं। ऐसे में जब आप रिसीव कर रहे हैं तो आप कितना क्लियरली रिसीव कर पाते हैं। और यहीं पर ही हम दोस्तों बाद में टेलीग्राम्स जो है उनको डेवलप किया, जहाँ पे टेलीग्राफ मशीन जो है वो मोर्स कोड के थ्रू करते हैं कम्युनिकेट। ऐसे में एक एक लाइन के जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं वो आप रिसीव कर पाते हैं, जो बहुत ही इंस्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आऊंगा, या हम परसों मिलेंगे, या यहाँ पे सब ठीक है, या फिर कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे आप सिंगल लाइनर जो मैसेजेस हैं वो टेलीग्राफ मशीन्स के थ्रू भेज पाते थे मोर्स कोड की फॉर्म में, जहां पे बिल्कुल वो पतली सी पट्टी आती थी और उसको बाद में पढ़ के मालूम चलता था कि हाँ भैया जो मैसेज है वो क्या है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जान के अच्छा लगा होगा मोर्स कोड के बारे में। आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप फ्लैश लाइट को सिग्नल करें ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके SOS के लिए, चाहे दोस्तों पलके झपकाएं, या फिर आप सुने नोकिया की टोन SMS के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।